14 तारीख को शाम को 5 बजे दो कस्टमर आए थे, जिसमें एक लेडीज़ थी एक जेंट्स था, और आकर के उन्होंने 15-20 मिनट में यहाँ से परचेजिंग करी, सामान लाके काउंटर पे रखा, उनका बिल बनाया, बिल बनने के बाद उनको खुले पैसे वापस देने थे। तो काउंटर पे जो लड़की काम कर रही थी उससे जो उसके साथ में जो जेंट्स आदमी था उसने कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न पैदा किया कि खुले पैसे को लेकर के, कि उसने गले में से हाथ डाल के 2000 और 500 के जितने भी नोट थे वो सारे हाथ में ले लिए। हाथ में लेने के बाद उनके सामने वो दिखाने लगा, ऐसे गिनने लगा, और उसमें से आधे नोट उसने अपने चतुराई से आधे नोट मोड़ के रख लिए और बाकी के पैसे लड़की को वापस दे दिए, और फिर उन पैसों को अपने पर्स के नीचे दबा के थोड़ी देर बाद में उसने जेब में डाल लिया उनको, और आराम से यहाँ से बिल का पेमेंट के बकाया पैसे लेकर के परचेजिंग करके चला गया। कितने का खरीदारी करी थी उन्होंने? उन्होंने 458 रुपये की खरीदारी करी थी यहाँ से, और 500 का नोट दिया था, तो बाकी खुले पैसे उनको दे दिए थे। शाम को जब हमने जैसे रोज़ रूटीन की तरह हमने कैश मिलाया, तो कैश में हमारे 13,500 रुपये का फ़र्क आ रहा था, तो हमने कहा भाई कोई भूल चूक रह गई होगी, सुबह देख लेंगे। वो सुबह हमने फिर वापस कैश मिलाया, लेकिन वही 13,500 रुपये का ही फ़र्क आ रहा था, तो हमने कहा भाई गले में से पैसे निकले हैं, तो उसके लिए हमने हमारे CCTV कैमरे जो थे उनको हमने चेक किया। चेक करते वक्त ये जो दोनों व्यक्ति थे उनके हाथ हमारे गले की तरफ जाते हुए हमें दिखे, तो हमने पूरा CCTV कैमरे को अच्छी तरह से चेक किया, तो हमारे सामने ये चीज़ आई निकल करके कि इन्होंने ही वो सारे पैसे लेके गए हैं ये लोग। अब पुलिस में क्या मुकदमा दर्ज कराया, क्या है पुलिस में? हमने अभी आज रिपोर्ट दी है मुकदमा दर्ज करने के लिए, और दर्ज कराया अभी मुकदमा हमने। पुलिस यहाँ आके गई है अभी, और बोल के गई है कि हम इस पर जाँच करते हैं। आपका नाम? श्याम माहेश्वरी। मेरा